हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गर्मियों में ठंडक देने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में अलग अलग तरह की आइसक्रीम हम बनाते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और सभी की फेवरेट भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने व्हीप क्रीम ली है, व्हीप टॉपिंग गोल्ड वाली है, आपको जो मिले आप ले सकते हैं। मार्केट में अगर आपको नहीं मिले तो अमूल फ्रेश क्रीम तो हर जगह मिलती है, तो आप वो ले सकते हैं। और इसे यूज़ करने से पहले हम एक घंटे पहले फ्रीजर से निकाल लेंगे, ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक कप व्हीप क्रीम ले रही हूँ। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें खूब सारी हम बर्फ़ ले लेंगे और इसके ऊपर एक और बर्तन रख लेते हैं। कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का, स्टील का या ग्लास का, जो भी आपके पास हो। अब इसमें हम क्रीम को व्हीप कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो क्रीम को व्हीप करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। अगर बीटर नहीं है तो क्रीम को व्हीप करने में करीब करीब 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे। तो मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं इसे विस्कर से ही विस्क करने वाली हूँ। तो अब मैं विस्कर से विस्क कर लेती हूँ। इसे करीब करीब 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। और ध्यान रहे, क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए 10 मिनट हो गई हैं इसे व्हीप करते हुए और पहले से ये थिक भी हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। 2 मिनट और हम इसको व्हीप कर लेते हैं। 2 मिनट और व्हीप कर लिया है मैंने क्रीम को, देखिए एकदम स्मूथ हो गई है, ये एकदम क्रीमी है। इसे साइड में रख लेंगे। और अब मैंने यहाँ एक कप स्ट्रॉबेरी ली है जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें 4 से 5 चम्मच हम चीनी डाल लेंगे, या जैसा भी आपको मीठा पसंद हो आप उसी के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। आप एक बार स्ट्रॉबेरी को चख लीजिए, अगर ज़्यादा खट्टी है तो ज़्यादा चीनी डाल लीजिए, अगर कम खट्टी है तो कम डाल लीजिए। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे, तो इसे पीस लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब क्रीम में हम इसको ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 2 बूंद मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, तो पिंक फूड कलर मैंने डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक केक टिन ले लेंगे, तो ये एल्युमिनियम की केक टिन मैंने ली है, आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का, अगर आपके पास बॉक्स है तो आप वो ले लीजिए। इसमें डाल लेते हैं। देखिए अब मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया है, आप चाहें तो यहाँ एल्युमिनियम फॉइल या फिर अगर प्लास्टिक का डिब्बा है आपके पास तो उसका ढक्कन लगा दीजिए। अब इसके ऊपर भी मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, आप यहाँ भी एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। देखिए 7 से 8 घंटे हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से जम कर तैयार हुई है, स्कूप आउट कर लेते हैं। वाओ, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से स्कूप निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा हम स्ट्रॉबेरी क्रश इस पे डाल लेते हैं। ये लीजिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम आप इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में आप बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।